गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड मुख्यालय में 33/11 केवी के पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। सभी बाधाओं को दूर करते हुए झारखंड सरकार के कैबिनेट में भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब डंडा में 10 मेगावाट क्षमता का पावर सब स्टेशन निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में डंडा क्षेत्र को फरटिया पावर सब स्टेशन के मेड़ना फीडर से बिजली मिलती थी, लंबी दूरी के कारण हमेशा फॉल्ट होते रहता था, साथ ही लो वोल्टेज की समस्या भी हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने बताया कि फॉल्ट आने पर लाइन की मरम्मत में भी काफी समय लगता था। अब डंडा में 33/11 केवी का पावर सब स्टेशन के निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र के करीब 18 गांवों को निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहेगी। इसमें छपरदागा, भिखी, डंडा, कोटा, मोतिहारा, बोगासी आदि प्रमुख गांव शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि पावर सब स्टेशन के निर्माण के बाद इस क्षेत्र को न सिर्फ 20 से 22 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि लो वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिलेगी। खेती एवं अन्य बिजली से संबंधित कार्य भी सुचारू रूप से हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि 10 केवी क्षमता वाले इस पावर सब स्टेशन में नया 11 केवी का 4 फीडर 28 किलोमीटर तक 33 केवी का लाइन लगेगा। इसका कवरेज एरिया 18 किलोमीटर का होगा। मंत्री ने गढ़वा वासियों को दीपावली, भाई दूज एवं छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे गढ़वा वासियों के विश्वास एवं भरोसे पर खरा उतरने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में गढ़वा की जनता की तकलीफें कुछ कम कर सकूं, बस यही अभिलाषा है।